एसएससी सीजीएल अपेक्स कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम आज शुरू करते हैं जो है ये इंग्लिश टेस्ट सीरीज जो शुरू किए हैं उसका दूसरा भाग है। या आप देखिए इसे, ठीक है। तो ये वेबसाइट है, यहाँ भी आप विजिट करके आप इसे देख सकते हैं। अब देखिए ये टेलीग्राम है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हम यहाँ कुछ और स्टडी से रिलेटेड चीजें पोस्ट करते रहते हैं, तो आप इसे जरूर आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप जो है डाउनलोड कीजिए, उसके बाद आप सर्च कीजिएगा तो आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। या आप सर्च करेंगे गूगल में तो आपको आसानी से मिल जाएगा। यह वेबसाइट है, आप इस पर निश्चित विजिट कीजिए, आप जो है यहाँ लगभग चीजें पाएंगे बस थोड़ी सी इंतजार के बाद। और ये यूट्यूब चैनल है, जो नए विजिट आए हैं वह जो है कृपया विजिट करें, इस पर इसे सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तो परीक्षा नजदीक आ चुकी है, तो आप जो है निश्चित रूप से पढ़िए। मैं आशा करता हूं यदि आप पढ़ेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं, बेस्ट ऑफ लक, आइए शुरू करते हैं। आपके सामने देखिए प्रश्न है, फोर वर्ड्स आर गिवेन इन इच क्वेश्चन, आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड, फाइंड द वर्ड, ठीक है। पहला प्रश्न है आपके सामने, देखिए असिस्टेंट, ठीक है, पॉपुलस, रिपेटेंट, कॉम्पिटेंट। आपको बताना है इसमें रॉन्ग कौन है, गलत कौन सा है। देखिए कॉम्पिटेंट है, COMPENT, कॉम्पिटेंट ये बिल्कुल ठीक है, रिपेटेंट इज बिल्कुल ठीक है, पॉपुलस ये भी राइट है। आपका जो गलत है यहाँ देखिए असिस्टेंट, ASSISTENT, यह जो है गलत है। यहाँ ई की जगह क्या रहेगा, ई रहेगा, असिस्टेंट, ठीक है, सहायक होता है। तो आपका जो आंसर हुआ वह हुआ ए, ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। ASSISTENT, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रैम्बल, एम्पल, ट्रेमेंडस, फॉयबल, ठीक है। अब आपको बताना है इसमें कौन सा सही है इसमें, ठीक है। स्क्रैम्बल बिल्कुल राइट है, देखिए SCRAMBLE स्क्रैम्बल है, एम्पल है AMPLE, एम्पल भी है एकदम बिल्कुल राइट है, एम्पल मतलब होता है एनफ होता है, प्रचुर होता है। यहाँ देखिए ट्रेमेंडस, फॉयबल, FOIBLE, फॉयबल भी बिल्कुल राइट है। इसमें देखिए TREMENDOUS, ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस की स्पेलिंग क्या होता है, होता है TRE, एक ही जगह क्या होगा ई होगा, TREMENDOUS, ट्रेमेंडस मतलब होता है शानदार, ठीक है, क्या होता है शानदार। आपका आंसर क्या हुआ, हो गया सी, सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री आपके सामने है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री है, पहला है रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोग्नोस्टिकेट, पॉसिबिलिटी, एलेज, ठीक है। आपको बताना है इसमें गलत कौन सा है। देखिए एलेज, ALEGE, एलेज, एलेज मतलब क्या होता है, आरोप होता है, ठीक है, आरोप लगाना होता है। पॉसिबिलिटी क्या है, संभावना, प्रोग्रेस, प्रोग्नोस्टिकेट, प्रोग्नोस्टिकेट मतलब क्या होता है, देखिए स्पेलिंग पहले POSSIBILE, बिल्कुल ठीक है, ALEGE, बिल्कुल ठीक है। प्रोग्नोस्टिकेट जो है भविष्य बतलाना होता है, प्रोग्नोस्टिकेट मतलब क्या होता है, भविष्य बतलाना, ये भी बिल्कुल राइट है। रेस्पॉन्सिबिलिटी देखिए RESPONSIBILE रहेगा, ठीक है, यहाँ SI रहेगा, BILITY, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व, ये आपका जो है गलत है, यही आपका राइट आंसर हुआ, ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, आप मीनिंग भी समझते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर है यूफोरिया, ठीक है, डॉन्टलेस है, सेंसर है, बिलीव है, आप बताइए इसमें गलत कौन सा है। देखिए BELIEVE, ठीक है, BELIEVE, बिलीव, ये बिल्कुल राइट है। सेंसर CENSUR, सेंसर, ये भी बिल्कुल राइट है। डाउंटलेस DAUNTLESS, डाउंटलेस मतलब होता है निडर होता है, क्या होता है, निडर होता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यूफोरिया, यूफोरिया हम देखिए गलत क्या है, यफ की जगह क्या रहेगा, इसका स्पेलिंग होता है ई यू पी
H-O-R-I-A होता है, यूफोरिया मतलब होता है उत्साह, ठीक है, क्या होता है, उत्साह होता है। नेक्स्ट देखिए आपका जो आंसर हुआ ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बी फाइव देखिए, डिसीव है, सीज है, रिसीव है, बिलीव है। देखिए ज्यादातर मिस्टेक कहाँ होता है, यही होता है और आई ई में, ठीक है। देखिए बिलीव है, बिलीव की स्पेलिंग बिल्कुल राइट है, आई वी ही होता है, ठीक है, बी ई एल आई ई वी होता है। रिसीव देखिए यहाँ मिस्टेक हो जाता है, ई आई होता है, बिल्कुल राइट है, यहाँ आई ई लगा देते हैं जिसमें गलत हो जाता है, ये बिल्कुल राइट है। सीज अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। डिसीव का देखिए, डिसीव डी ई सी आई ई लगा दिया, यहाँ गलत कर दिया। स्पेलिंग याद रखिए, इसका स्पेलिंग क्या होता है, इसका स्पेलिंग होता है डी ई सी ई आई वी ई। डिसीव मतलब होता है धोखा देना, छल करना, ठीक है। तो आपका जो आंसर हुआ ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। तो डिसीव की स्पेलिंग डी ई सी ई आई वी ई। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिए, फोर अल्टरनेटिव्स आर गिवेन फॉर द इडियम्स फ्रेजेस बोल्ड इन द सेंटेंस, चूज द अल्टरनेटिव्स व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस मीनिंग ऑफ द इडियम्स फ्रेजेस एंड मार्क इन द इन इट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, अ फ्यू डेज बिफोर हिज डेथ, मतलब कि अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले, ही मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ एवरीथिंग फ्रेज है। मेड अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब सब कुछ साफ कर दी, कह दिया उसने, सब कुछ साफ कर दिया। सब कुछ साफ करने का अर्थ है कि उसने जो अपराध किया था उसको वह कबूल लिया, उसको वह सब कुछ बता दिया, स्पष्ट कर दिया, स्वीकार कर लिया, कन्फेस कर लिया, ठीक है, अपराध को स्वीकारना कन्फेस है। तो ए फ्यू डेज बिफोर हिज डेथ ही मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ एवरीथिंग, मतलब ही कन्फेस्ड ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। अब आपका आंसर हुआ ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पुलिस स्मेल्ट द रेट फ्रेज है, द पुलिस स्मेल्ट द रेट बिहाइंड द डेथ ऑफ द गर्ल। स्मेल्ट द रेट का मतलब क्या है, स्मेल्ट द रेट का मतलब यह है कि जो कुछ है शायद, मतलब जो कुछ मतलब हो रहा है, कुछ गड़बड़ है, ठीक है। कुछ गड़बड़ होने का अर्थ क्या है, एक आप हिंदी में मुहावरा सुने होंगे, दाल में कुछ काला है, क्या है, दाल में कुछ काला है। तो पुलिस जो है लड़की की मृत्यु के पीछे जो है उसको संदेह हुआ कि कुछ गड़बड़ है, यानी कुछ दाल में काला है, इसका मतलब क्या हुआ। इसमें ऑप्शन में देखिए, सस्पेक्टेड दैट समथिंग इज फिशी, मतलब कि संदेह है उसे कि कुछ गड़बड़ है। आपका आंसर क्या हुआ, बी, बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। तो स्मेल्ड द रेट मतलब दाल में कुछ काला है, सस्पेक्टेड दैट समथिंग इज फिशी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आठ है। देखिए क्वेश्चन नंबर आठ है, आई फेल्ट अ फिश आउट ऑफ वाटर। ए फिश आउट ऑफ वाटर फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब मैंने जो है वकीलों के बीच में, जो लायर्स थे उनके बीच में महसूस किया, लेकिन कैसा महसूस किया, ए फिश आउट ऑफ वाटर। ए फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है एक व्यक्ति, मतलब ऐसी स्थिति, मतलब पूर्ण तरह से ऐसा वातावरण हो, ऐसी सिचुएशन हो जिसमें एक व्यक्ति को जो है वह अपने को अनकंफर्टेबल महसूस करता हो, ठीक है, उसको जो है वह अपने को अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हो, यानी कि पूरी तरह से जो है उस व्यक्ति के लिए वह अनुपयुक्त वातावरण होगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर हुआ वह क्या होगा, इसमें वह होगा अनकंफर्टेबल। फिश ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ, अनकंफर्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नाइन है, ये आपका आंसर हुआ ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नाइन है देखिए, द फूलिश यंग मैन सून मेड डक्स एंड ड्रेक्स ऑफ द वास्ट प्रॉपर्टी हिज फादर लेफ्ट हिम, मतलब कि जो यंग पर्सन था वो, द फूलिश यंग मैन मतलब मूर्ख व्यक्ति जो था, वह अपने पिता की सबसे मतलब वास्ट प्रॉपर्टी, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी को क्या किया,
बतख और चरवाहा बना दिया, मेड डक्स एंड रैक्स मतलब बतख और चरवाहा बना दिया। कहने का मतलब क्या हुआ, वह जो है जो उसका पिता ने उसकी प्रॉपर्टी छोड़ के गया था उसके लिए, वह उसका जो मूर्ख लड़का था उसने उसको क्या कर दिया, गंवा दिया। ठीक है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट स्पेंट गेव इन चैरिटी ये सब गलत है, दान नहीं दिया, स्पेंट नहीं खर्च नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूट वितरित नहीं किया, स्क्वांडर्ड, स्क्वांडर्ड मतलब होता है गंवा देना। ठीक है, क्या होता है गंवा देना, गंवा दिया। ठीक है, मेड डक्स एंड रेक्स मतलब स्क्वांडर्ड गंवा देना। चलिए आगे देखते हैं, ऑल हिज वेंचर्स वेंट टू द विंड्स मतलब कि उसके सभी उपक्रम जो है हवा में चले गए। हवा में चले जाने का अर्थ क्या है, हवा में चले जाने का अर्थ नहीं होता है कि स्प्रेड ऑल ओवर गॉट स्पीड ऑफ द विंड्स बिकेम वेल नोन, ये सब गलत है। हवा में चले गए अर्थ है कि वह जो है डिसिपेटेड हो गए, डिसिपेटेड मतलब छिन्न भिन्न हो गए। क्या हो गए, छिन्न भिन्न हो गए मतलब धीरे धीरे जो है घटते घटते कम हो जाना। ठीक है, ऑल हिज वेंचर्स वेंट टू द विंड्स मतलब ऑल हिज वेंचर्स डिसिपेटेड, छिन्न भिन्न हो गए, आप इसे याद रखें। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A part of the sentence is bold. Below are given alternatives to the bold part A, B and C. Which may improve the sentence? Choose the correct alternative. In case no improvement is needed, your answer is D. ठीक है, आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। अब बताइए इसका क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, he denied that he had not forgotten my signature, उसने मना किया वह मेरे सिग्नेचर को नहीं भूला। देखिए he denied, यहां देखिए denied शब्द, denied का मतलब ए जो है it gives a negative sense। ठीक है, denied मतलब इनकार करना, deny से है, तो यह negative sense देता है। जब यह negative sense दे रहा है तो यहाँ आप not नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ not नहीं लगाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे, had forget। ठीक है, क्या लगाएंगे, had forget। forget आपका आंसर क्या हुआ, ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। यहां यह चीज ध्यान देना, डिनीड जो है यह जो है नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो यहां आप जो है नॉट नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड वन अनदर मतलब क्या हुआ, देखिए वह डर गया जब मतलब कि दैट हिज नीज उसके जो घुटने हैं आपस में जो है एक दूसरे से टकराए। तो यहाँ एक दूसरे का अर्थ है कि जैसे कि आप हो और हम हैं, दो इंसान हैं, एक दूसरे पर हंसने का अर्थ, एक उदाहरण एग्जांपल देता हूँ, आप मेरे पर हंस रहे हैं मैं आप पर हंसूं, मतलब ए बी पर हंसा, बी ए पर हंसा, तो एक दूसरे यानी ए ने बी की मदद किया, बी ने ए की मदद किया, तो वहां क्या हम यूज करेंगे, वहां ईच अदर करेंगे, क्या करेंगे यूज, ईच अदर करेंगे। ही वाज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड ईच अदर, क्या होगा, ईच अदर। आपका जो आंसर हुआ वह हुआ बी, बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, He calls system generates nothing but a misanthropy। ठीक है, यानी कि प्रणाली एक मिथ्याचार के अलावा कुछ भी नहीं है। यहां देखिए, he calls system generates, generates का मतलब क्या, यहां देखिए उत्पन्न करना, पैदा करना, यहां generate को जो है हम किससे रिप्लेस करेंगे, प्रोड्यूस से। ठीक है, किससे रिप्लेस करेंगे, प्रोड्यूस से। तो आपका जो यहां राइट आंसर हुआ वह बी हुआ, बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, मतलब कि ही कॉल अस सिस्टम प्रोड्यूस नथिंग बट अ मिसेंथ्रोपी। व्हेन ही सॉ हिम लास्ट, जब उसने मुझे लास्ट में देखा, व्हेन वी सॉ हिम लास्ट, जब हमने उसे लास्ट में देखा, ही रैन टू ई कैच ए बस मतलब कि वह बस के पकड़ने के लिए
क्या कर रहा था? दौड़ रहा था, ठीक है। तो यहां क्या होगा? वाज रनिंग होगा। क्या होगा? वाज रनिंग होगा, रैन की जगह। व्हेन वी सा हिम लास्ट ही वाज रनिंग टू कैच अ बस, पकड़ने के लिए पीछे दौड़ रहा था। आपका आंसर हुआ बी, बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जेंट्री ऑफ द टाउन, जेंट्री मतलब होता है कुलीन, होता है सभ्य लोग, होता है आर्य लोग जो हैं उनको जेंट्री कहते हैं। यह जो है नाउन है, और यह जो है बड़े लोगों का यह समूह है जेंट्री। तो यह नाउन जो है कैसा है? प्लूरल, प्लूरल है, यहाँ प्लूरल वर्ब यूज होगा, ठीक है, प्लूरल वर्ब, ठीक है। आप जो है यहाँ क्या लगाएंगे वाज की जगह? वाज की जगह वर लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे, मतलब द जेंट्री ऑफ द टाउन वर यू इनवाइटेड, सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, ठीक है, आप इसे ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि द रेस्ट ऑफ द पैसेज इन स्प्लिट इनटू फोर पार्ट्स, पी क्यू आर एस, यह पी क्यू आर पैरा जंबल है, आप इसे देखिए। तो व्हेन ही वाज क्वाइट यंग, मार्कस विट्रुवियस के विकेम इंटरेस्टेड इन आर्ट। एट द एज ऑफ 19 ही ट्रेवल्ड अराउंड यूरोप, एवरीवेयर ही वेंट ही एडमायर्ड द मैग्निफिसेंट बिल्डिंग ऑफ द पास्ट। एट द एज ऑफ 13 ही वेंट टू एन आर्ट स्कूल, बट द बिल्डिंग्स विच इम्प्रेस्ड ही मोस्ट वर दोज ऑफ द एंशिएंट ग्रीक्स इन एथेंस। आफ्टर हिज विजिट टू एथेंस, मार्कस वेट्रुवियस डिसाइडेड टू बिकम एन आर्किटेक्ट। देखिए, व्हेन सबसे पहले इसी तरह से आपको डिजाइन किया रहता है, सबसे पहले वन यहाँ लिखा रहेगा, व्हेन ही वाज क्वाइट यंग, जब वह जो है यंग थे बिल्कुल, तो मार्कस विट्रुवियस जो है एक आर्किटेक्ट है, मार्कस विट्रुवियस विकेम इंटरेस्ट इन एन आर्ट, उन्हें आर्ट में जो है दिलचस्पी हुई। एट द एज ऑफ 19, देखिए उसके पहले आप देखिए यहाँ, एज द एज ऑफ 13, मतलब 13 साल की उम्र में वह स्कूल गए आर्ट स्कूल में, तो सबसे पहले आपका यही आएगा, तो सबसे पहले उन्होंने यह शिक्षा ग्रहण की, ठीक है, आर्ट की। उसके बाद एट द एज ऑफ 19, फिर 19 की एज में उन्होंने पूरे यूरोप का भ्रमण किया, तो आपका यह दूसरे नंबर पर आया। नेक्स्ट है, Everywhere he went, he admired the magnificent building of the past. मतलब कि वह जो है चारों, मतलब हर जगह गए, everywhere he went, he admired, ठीक है, the magnificent building of the past, अतीत की बिल्डिंगों ने उनको बहुत प्रभावित किया और उनकी वो बहुत प्रशंसा करते हैं, admired, but the building which impressed, मतलब जो सबसे ज्यादा उनको इंप्रेस्ड किया, तो ये तीसरे नंबर पर हुआ। क्यों? जो सबसे ज्यादा इंप्रेस किया वह था एंशियंट ग्रीक इन एथेंस, में जो है पुराने ग्रीक मतलब यूनानी की जो बिल्डिंगें थी वह जो है उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित की। तो आपका यस चौथा नंबर पर आ गया। लास्ट में यह सिक्स है, आफ्टर हिज विजिट टू एथेंस, मार्कस विट्रियस डिसाइडेड टू बिकम एन आर्किटेक्ट। आपका जो सीक्वेंस बना वह क्या बना? वह बना आर, उसके बाद क्या बना दूसरे नंबर पर? पी, तीसरे नंबर पर क्यू, आर पी क्यू एस, ठीक है, आर पी क्यू एस, एस सी आया, आर पी क्यू एस सी, सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आप इसे जो है आसानी से बना सकते हैं। एक बार आप फिर से मिला लीजिए, एक नंबर पर है आर, दो पर पी, तीसरे पर क्यू है, चौथे पर यस है। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 17। वेनिस इज ए स्ट्रेंज सिटी, वेनिस एक ऐसा शहर है जो बहुत अजीब है, ठीक है। इट इज नॉट वन आइसलैंड, यह एक द्वीप नहीं बल्कि यहां जो है सैकड़ों द्वीप हैं, ठीक है। वेनिस जो है एक शहर है, यह एक द्वीप नहीं बल्कि सैकड़ों द्वीप का समूह है यह। देर आर अबाउट 400 ऑड ब्रिजेस, यह जो कनेक्टिंग टू द आइसलैंड ऑफ वेनिस,
देख, तो वेनिस को, जो वेनिस आइसलैंड है, उनको जो है कनेक्ट करने के लिए ऐसे 400 अजीब ब्रिजेस हैं, ठीक है, 400 अजीब ब्रिज हैं। दीज स्मॉल आइसलैंड आर क्लोज टू वन अनदर, ये सभी आइसलैंड जो है एक दूसरे से क्लोज हैं, ठीक है। देर आर नो मोटर कार, नो हॉर्सेस, नो बसेस, यहाँ कोई न मोटर कार है, न घोड़े हैं, न बसें हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों है, क्योंकि विनाइस हैज नो स्ट्रीट। विनाइस के पास जो है, जो वेनिस है उसके पास, जो वेनिस है उसके पास जो है कोई सड़क नहीं है। तो आपका जो सीक्वेंस बना, यहां देखिए, वेनिस इज ईस्टर्न सिटी, ये तो आपको दिया गया है। उसके बाद है इट इज नॉट वन आइसलैंड बट 100 आइसलैंड, मतलब कि सबसे पहले आपका पी आया, ओके, इट इज नॉट वन आइसलैंड बट 100 आइसलैंड। उसके बाद क्या आएगा, दीज स्मॉल आइसलैंड आर क्लोज टू वन एंड, यह दूसरे नंबर पाया आया, ठीक है, क्योंकि 100 आइसलैंड है। अब इस 100 आइसलैंड से आपको जो है, आपको बताना है, समझना है कि ये 100 आइसलैंड जो मतलब छोटे छोटे हैं, वे एक दूसरे से जुड़े हैं, थे दूसरे नंबर पर आया। उसके बाद क्या आएगा कि यह जो आइसलैंड है वेनिस के, ये सभी कनेक्ट हैं किससे, ये छोटे मोटे 400 अजीब ब्रिजों से जो है यह कनेक्ट हुए, ठीक है। ये आपका तीसरा नंबर पर आ गया। नेक्स्ट देखिए, देर आर नो मोटर कार, लास्ट में यहाँ कोई मोटर कार, गाड़ी घोड़ा जो वगैरह नहीं है, ये आपका चौथे नंबर पर आया। लास्ट में सिक्स आपके सामने है ही, तो आपका जो सीक्वेंस बना वह बना पी, उसके बाद आर, नेक्स्ट क्यू, और उसके बाद यस, पी पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस, ए ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर, ठीक है। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव इन द आंसर बिलो। देखिए, यह जो है पैसेज थोड़ा बड़ा है, तो हम इसे एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप जो है इसे देखिए और पढ़िए, और आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और या फिर जो है ज्यादा बेटर होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है, अपने हिसाब से पढ़ के देखिएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है, आप निश्चित रूप से पढ़िएगा। कैटास्ट्रॉफिक मानसून, जो प्रलयकारी मानसून था, फ्लड इन केरला एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, केरला में और कुछ पार्ट कर्नाटका के, हैव रिवाइव्ड, रिवाइव्ड मतलब होता है क्या, पुनर्जीवित कर दिया। डिबेट, डिबेट मतलब होता है, बहस होती है, ऑन वेदर पोलिटिकल एक्सपेंडेंसी ट्रम्प्ड साइंस, ठीक है। 7 years ago, the Western Ghat ecology, देखिए 7 years ago, 7 years ago का मतलब क्या है, 7 वर्ष पहले वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, यह जो है वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल जो है, पश्चिमी घाट पारिस्थितिक एक्सपर्ट पैनल, WGEEP है, ठीक है, इसी को कहते हैं। यह जो है किससे संबंधित है, यह जो है गडगिल, गडगिल जो है वह कमीशन है, उससे जो है समिति से है, यहाँ दो समितियां हैं, एक है गडगिल समिति, ठीक है, कमेटी है, और एक है कस्तूरी रंजन, ठीक है, ये दोनों हैं, कस्तूरी रंजन और गडगिल। तो जो WGEEP है वह गडगिल कमेटी है, तो ही उसके बाद देखिए यहाँ उसके जो चेयरमैन है वह है माधव गडगिल, ठीक है। तो इशू रिकमेंडेशन फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द फ्रागिल, फ्रागिल फ्रागिल मतलब मासूम होता है, वेस्टर्न पेनिनसुलर रीजन मतलब पश्चिमी जो प्रायद्वीप है, ठीक है, वह जो रीजन है उसके संरक्षण के लिए जो है यह वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल जो है रिकमेंड, उसकी सिफारिश की गई, ठीक है। माधव गडगिल हु चेयर्ड द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीज WGEEP, मतलब कि माधव गडगिल जो है वह वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट
पैनल यानी WGEP के वो चेयरमैन है. ही सेड द रिसेंट हॉक इन केरला इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉर्ट साइटेड पॉलिसी मेकिंग एंड वार्न्ड दैट गोवा मे आल्सो बी इन द लाइन ऑफ नेचर्स फरी. ठीक है, तो उन्होंने कहा, यहां देखिए, ही सेड उन्होंने कहा रिसेंट में जो हाल ही में जो हवक मतलब HAVOC यह विनाश होता है. इसका मतलब क्या होता है? विनाश, तबाही. इन केरला में जो तबाही आई इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉर्ट साइटेड पॉलिसी मेकिंग. यह जो है अदूरदर्शी, ठीक है, अदूरदर्शी नीति बनाने का यह परिणाम है. ठीक है, एंड वार्न, उन्होंने चेतावनी दी दैट गोवा, जो गोवा है वह भी जो है इस प्रकृति की चपेट में है. ठीक है, इस आपदा की चपेट में है. द स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, जो राज्य सरकारें हैं दैट आर मेनली, जो कि मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं फॉर द वेस्टर्न घाट के लिए, और वे हैं वेस्टर्न घाट, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा और महाराष्ट्र. मस्ट गो बैक द डाइंग टेबल विथ द रिपोर्ट्स ऑफ द बोथ द गडगिल कमेटी एंड कस्तूरी रंजन कमेटी. जो है इस को जो है इस रिपोर्ट को जो है ड्राइंग किया, ड्राइविंग व्हिच वाज सेट अप टू एग्जामिन द WGEEP रिपोर्ट. जो है वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल की रिपोर्ट को एग्जामिन किया. द टास्क बिफोर देम इज टू इनिशिएट करेक्टिव्स टू एनवायरमेंटल पॉलिसी डिसीजन. ठीक है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी गिवन द नीड टू बैलेंस ह्यूमन डेवलपमेंट प्रेशर्स विथ स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट इकोलॉजी. द इशू ऑफ अलाउइंग एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज सच एज क्वेरिंग एंड माइनिंग. ठीक है, मतलब कि जो खदान और खनन है उसको टू ऑपरेट करने में इज आर्गुएबली द मोस्ट कंटेंटियस A way out could be to create the regulatory framework that was proposed by Gadgil panel in the form of an Apex Western Ghat Ecology Authority and state level units under the Environment Protection Act and to adopt the zoning system that is proposed. This can keep incompatible activities out of the ecologically sensitive zone. ठीक है, आप जो है पैरा बड़ा है, आप जो है इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद जो है तब आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा. ठीक है, आइए देखते हैं. At issue in the Western Ghat, Western Ghat spread over 1,29,037 square km² according to the WGEP estimate and 1,64,280 square km as per the Kasturi Ranjan panel. ठीक है, यह जो है जो इशू का वेस्टर्न घाट में वह जो है जो WGEP जो गडगिल कमेटी थी उसके अनुसार जो है कितना था, कितनी दूर तक फैला था, यह जो है 1,29,037 वर्ग किलोमीटर तक यह फैला था. और जो कस्तूरी रंजन पैनल है उसके अनुसार कितना, वह जो है 1,64,000. इज द कैलकुलेशन ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट द सेंसिटिव कोर, what activities can be carried out there. The entire system is globally acknowledged as a biodiversity hotspot, but population estimate for the sensitive zone vary greatly based on interpretation of the ESZ. ठीक है, in Kerala for instance on
एक्सपर्ट असेसमेंट सेज 39 लाख हाउस होल्ड आर इन एसजेड आउटलाइन बाय द डब्ल्यूजीपी बट फिगर ड्रॉप्ड शार्पली टू 4,00,000 फॉर स्मॉलर एरिया ऑफ द जोन आइडेंटिफाइड बाय द कस्तूरी रंजन पैनल। ठीक है, तो कस्तूरी रंजन पैनल द्वारा जो आइडेंटिफाई किया गया वह क्या किया गया कि जो स्मॉलर एरिया जोन था उसमें जो है जो गिरावट आई वह कितनी थी, 4 लाख हाउसहोल्ड की गिरावट थी, घरों की हाउसहोल्ड की गिरावट थी। द गोल हैज टू बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द घाट्स एज होल द रोल ऑफ बिग हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बिल्ट ड्यूरिंग इन एरा ऑफ राइजिंग पावर डिमांड एंड डिफिसिट्स must now be considered afresh and proposal for new one dropped. Other low impact form of green energy led by solar power are available. ठीक है, a moratorium on quarrying and mining in the identified sensitive zone in Kerala and also other states. ठीक है, केरला और दूसरे स्टेट में इज नेसेसरी टू असेस देयर एनवायरमेंटल इंपैक्ट। केरलास फाइनेंस मिनिस्टर थॉमस इसाक हैज एक्नॉलेज्ड द नीड टू रिव्यू डिसीजन अफेक्टिंग द एनवायरमेंट इन द वेक ऑफ द फ्लड। पब्लिक कंसल्टेशन ऑन द एक्सपर्ट रिपोर्ट द includes people representatives will find greater resonance now and help chart the sustainable path ahead. देखिए यह पैसेज बड़ा है, आप इसे पढ़िएगा और स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। ठीक है, हम भी जो है आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसे क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न आपके सामने है, देखिए, Which among the following has been attributed by the experts as a reason of the recent floods in Kerala and Karnataka? केरल और कर्नाटक में जो रिसेंटली बाढ़ आई थी, हाल ही में बाढ़ के कारण को कारण के रूप में किसे जो है एक्सपर्ट्स जो लोग हैं जो उनके द्वारा किसे जो है यह जिम्मेदार ठहराया गया है। ठीक है, एट्रीब्यूट मतलब जिम्मेदार ठहराया गया है किस एक्सपर्ट द्वारा, जो केरला और कर्नाटक में जो बाढ़ आई थी उसके कारण किस कारण से आई उसके जिम्मेदारी किसको ठहराया गया है एक्सपर्ट द्वारा। ठीक है, द स्टेट्स डू नॉट हैव प्रॉपर सिस्टम, यहाँ पहला है देखिए, स्टेट जो है डू नॉट हैव प्रॉपर सिस्टम इन प्लेस ऑफ ड्रेनेज, मतलब उनके पास जो है जो ड्रेनेज है मतलब समुचित साधन नहीं है पानी निकालने का, जिससे पानी जो है बरसात का पानी वह बह जाता है दोनों देशों का। नेक्स्ट है स्टेट्स हैव नो आइडिया, मतलब उनके पास कोई जो है स्टेट है उनके पास कोई आइडिया नहीं है मैनेज करने की एनी काइंड ऑफ जो नेचुरल कैलामिटी है जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, कैलामिटी मतलब आपदा जो नेचुरल आपदाएं हैं उनको मैनेज करने के लिए उनके पास कोई आइडिया नहीं है। एंड दैट है व्हाई दे कैन नॉट टैकल एनी सिचुएशन हाउएवर स्मॉल इट मे बी, मतलब कि उनको जो है इस सिचुएशन को टैकल नहीं कर सकते हैं बट स्मॉल इट मे बी यह कम हो सकता है। द States should be interested with the responsibility of protection of the environment of the area within their jurisdiction. मतलब कि जो states को ऐसा होना चाहिए कि उनका जो उत्तरदायित्व है वह protection of environment जो पर्यावरण in the area मतलब area में जो पर्यावरण का protection का जिम्मेदारी है उनके entire जो है area है उनमें जो है उनको देखभाल करनी है उनमें उनको जो है संरक्षण प्रदान करना है। नेक्स्ट देखिए द पॉलिटिकल डिसीजन, जो पॉलिटिकल डिसीजन है राजनीतिक कारण है मेकिंग स्ट्रेटजी, जो राजनीतिक डिसीजन है पॉलिटिकल डिसीजन है रणनीति बनाने के हैज ऑलवेज टेकन द अपर हैंड
एज कंपेयर द रियल इंटरेस्ट ऑफ द एनवायरमेंट, पर्यावरण की जो वास्तविक जो है रियल इंटरेस्ट है उसकी तुलना में जो है वह ऊपरी हाथ उनका है, जो पॉलिटिकल जो डिसीजन है मेकिंग स्ट्रेटजी उनकी रणनीति बनाने के वाली, वह हमेशा जो है उनका दूसरा हाथ है। किसके कंपेयर में, मतलब कि इन्वायरमेंट के हितों में की तुलना में जो है उनका अपर हैंड है, ऊपरी हाथ है। तो ये जो है इसका जो प्रश्न का जो आंसर हुआ वह हुआ डी, डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, क्योंकि इससे ज्यादा सुटेबल इसका कोई आंसर नहीं होगा। जो कर्नाटक और केरला में जो बाढ़ है उसका जो कारण बना वह यही है, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजी हैज ऑलवेज टेकन द अपर हैंड एज द कंपेयर टू द रियल इंटरेस्ट ऑफ द एनवायरमेंट। आप जो है इसे निश्चित रूप से याद रखिएगा, पैरा बड़ा है लेकिन जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो आपका आंसर हुआ वह हुआ डी, डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। हम यहाँ समायोजित नहीं कर सकते हैं यहाँ इसे, इसलिए जो है आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और निश्चित रूप से पढ़िएगा, और जो एक आंसर है जो क्वेश्चन है इसी तरह से आपको आएंगे, आप इसे याद रखिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। आपके सामने देखिए पैसेज है, ये प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार द स्टेट अफेक्टेड बाय द फ्लड्स, बाढ़ से जो प्रभावित राज्य हैं उन्हें क्या करना चाहिए भविष्य में ऐसी इंसिडेंट ना हो, ऐसी घटना ना हो, उन्हें रोकने के लिए आपको बताना है निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए, ठीक है। द स्टेट शुड डिवोट मोर फंड्स टूवर्ड द रिडक्शन ऑफ नेचुरल कैलामिटी इन द स्टेट, मतलब जो स्टेट हैं उनको जो नेचुरल कैलामिटीज हैं प्राकृतिक आपदाएं उनको कम करने के लिए जो है स्टेट को अधिक फंड प्रोवाइड करना चाहिए, देने की जरूरत है। नहीं, यह गलत है। द स्टेट शुड पुट इन प्लेस प्रॉपर वार्निंग मैकेनिज्म सो दैट द गवर्नमेंट कैन गेट टू नो। देखिए स्टेट जो है उन्हें जो है प्रॉपर जो है वार्निंग मैकेनिज्म जो है चेतावनी यंत्र रखना चाहिए, जिससे वो गवर्नमेंट को जो है जो प्राकृतिक आपदा है उसकी आने की संभावना जो है उसका पहले से पता लगाया जा सके। यह भी जो है इस पैसेज के अकॉर्डिंग नहीं है। द स्टेट शुड प्लान प्रॉपरली सो दैट दे कैन इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द एक्सपर्ट्स पैनल रिकॉर्डिंग। देखिए यह जो पैसेज है आप देख रहे हैं, यह जो है दोनों पैनल, एक गटगिर पैनल है एक जो है कस्तूरी रंजन पैनल है, उनके जो रिकमेंडेशन है उनके तहत यह जो है बतलाया गया है। तो आपका जो यह इसमें सी है उसका जिक्र है इसमें कि द स्टेट शुड प्लान प्रॉपरली, उनको जो है प्रॉपरली प्लान करना चाहिए, योजना बनानी चाहिए, जैसा कि दे कैन इम्प्लीमेंट, वे जो है इसको इम्प्लीमेंट कर सकें, लागू कर सकें, रिकमेंडेशन ऑफ एक्सपर्ट पैनल, जो विशेषज्ञ का जो पैनल है, विशेषज्ञों का जो पैनल है, एक गडगिर पैनल है एक कस्तूरीरंजन पैनल है, उनकी जो रिकमेंडेशन सिफारिशें हैं उनको जो इम्प्लीमेंट करें, उनको लागू करें, किसके लिए, द प्रिजर्वेशन ऑफ द वेस्टर्न घाट एरिया, जो वेस्टर्न घाट एरिया है उनके संरक्षण के लिए, ठीक है। यह जो है आपका सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, ठीक है, बाकी सभी गलत हैं। आपका जो आंसर हुआ वह हुआ सी। आप जो है इसे याद रखें, आप पढ़ें एक दो बार, आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है आप इसे निश्चित रूप से पढ़िएगा, ठीक है। पैसेज बड़ा है इसलिए आप निश्चित रूप से इसे पढ़िए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन इशू पॉइंटेड आउट इन द पैसेज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्सपर्ट पैनल रिपोर्ट्स इन वेरियस स्टेट, मतलब विभिन्न राज्यों में विशेषज्ञ पैनल रिपोर्ट के क्रियान्वयन को पारित किया गया है उसका जो मुख्य मुद्दा है वह क्या है, जो विभिन्न राज्य हैं उनमें जो है एक्सपर्ट पैनल रिपोर्ट को जो क्रियान्वयन को पारित कर किया गया है किया जाता है, तो उसका मुख्य
मुद्दा क्या है, मेन इशू क्या है, वह यह है कि द बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड प्रिजर्वेशन शुड बी देयर इन ऑर्डर टू डेवलप द एरिया प्रॉपरली। मतलब कि बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट मतलब विकास और संरक्षण के बीच जो संतुलन है वह क्या है, ऑर्डर टू डेवलप द एरिया, एरिया के विकास के रूप में प्रॉपरली, विकास के के ऑर्डर में जो है वह बैलेंस होना चाहिए। द बैलेंस बिटवीन डेवलप एंड प्रिजर्वेशन शुड बी देयर इन द ऑर्डर टू डेवलप एंड डेवलप द एरिया प्रॉपरली। एक्चुअली में आपका जो आंसर है वह यही है, ठीक है, ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर, ठीक है। बाकी बी जो है देयर इज नो पर्टेनिंग टू द वेस्टर्न घाट, मतलब कि जो वेस्टर्न घाट है उससे संबंधित कोई इशू नहीं है, ऐसा तो है नहीं, सारा चीज तो उसी से रिलेटेड है, तो यह तो बिल्कुल है ही नहीं। बी द रिसर्वाइड्स इन द विसिनिटी ऑफ द एरिया विल स्पेल द डूम फॉर द एरिया सिंस दे विल एग्जॉस्ट ग्राउंड वाटर ऑल इन द एरिया। The area will be flooded since policymakers are not bothered about the environment until it affect their vote loss. मतलब जो area है वह बाढ़ से जो प्रभावित होगी, since the policymakers जो नीति निर्माता हैं are not bothered, परेशान नहीं होते about the environment से, के बारे में परेशान नहीं किए जाते हैं until तक, जब तब तक, जब तक it affect their votes, जब उन तक मतलब कि उनके वोट बेस को प्रभावित नहीं करते, ठीक है। तो यह भी नहीं है, आपका जो इसका मेन आंसर हुआ वह हुआ ए, इज गोइंग टू बी राइट आंसर, ठीक है, कि द बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड प्रिजर्वेशन should be there in order to development the area properly, ठीक है, यही जो है इसका आंसर होगा ए। आप इसे याद रखिए, याद रखेंगे तो आपको फायदा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। Which among the following should be the objective of all concerned regarding the development of the Western Ghat area? Western Ghat area जो है पश्चिमी घाट एरिया के विकास के संबंध में सभी जो लोगों का जो है ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य क्या होना चाहिए, ठीक है, तो क्या उद्देश्य होना चाहिए निम्नलिखित में से आपको बताना है। The development plan should be well supported, मतलब जो development plan है वह जो है should be well supported, मतलब बहुत अच्छा support होना चाहिए उसका by money, धन से and main power दोनों से। The किसे राज्य द्वारा, the development जो जो डेवलपमेंट प्लान है वह मस्ट बी डन करेक्टली एट फर्स्ट प्लेस सिंस इट विल हेल्प गेन अपर हैंड इन द होल प्रोसेस। द स्टेट शुड टेक डेवलपमेंट ऑफ द वेस्टर्न घाट, जो स्टेट है उसको जो है वेस्टर्न घाट के डेवलपमेंट को रखना चाहिए, क्या कैसे सीरियसली लेना चाहिए, जिससे कि एरिया का जो है एरिया जो है पूरी तरह से संरक्षित हो सके, ठीक है। देखिए यह तो बात ठीक है, सीरियसली उसे लेना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा जो है आप ये देखिए, द वेस्टर्न घाट शुड बी प्रिजर्व, मतलब वेस्टर्न घाट जो है प्रॉपरली जो है संरक्षित होना चाहिए, सो दैट देयर इज, जिससे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द एरिया, एरिया का जो है सतत विकास हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत विकास हो सके, सतत विकास हो सके। तो आपका जो सबसे बेटर आंसर है वह है डी, डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, क्योंकि जब तक आपको संरक्षित नहीं करेंगे तब तक उसका सतत विकास नहीं होगा। यह तो जोशी में ये सीरियस मैटर है, मैटर तो सीरियस है, आप सीरियसली इसे लेंगे तब संरक्षित करेंगे, लेकिन इससे ज्यादा बेटर ये है कि आप उसे संरक्षित करें जिससे उसका सतत विकास हो। आपका आंसर क्या हुआ, डी, डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ
सबसे पहले हुई से मांग द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग द वर्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस का आपको जो है सिनोनिम बताना है। रेजोनेंस मतलब क्या होता है? रेजोनेंस मतलब होता है अनुनाद होता है, गूंज होती है, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होगा? डिलाइटफुल मतलब होता है, रमणीय होता है, ब्लिसफुल मतलब आनंदमय होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? रमणीय है, रमणीय। इसका ब्लिसफुल मतलब आनंदमय है, ठीक है, आनंदमय है। कंसोनेंस, कंसोनेंस का मतलब क्या है? कंसोनेंस का मतलब होता है तालमेल होता है, ठीक है। क्या होता है? तालमेल होता है, मतलब कि यह जो है रिजोनेंस का, रिजोनेंस का यह सिनानिम है, ठीक है, यह सिनानिम है। ये इसका मतलब अनुरूप, ठीक है, अनुरूप होता है, तालमेल होता है, ठीक है। तो आप जो है इसे याद रखें, इसका सिनानिम क्या हुआ? वह हुआ रेजोनेंस का कंसोनेंस, ठीक है। क्रेडेंस, क्रेडेंस मतलब होता है प्रत्यय होता है, प्रत्यय आप पढ़े, प्रत्यय उत्सर्ग, प्रत्यय होता है एक, इसका मतलब एक विश्वास भी होता है, ठीक है, विश्वास, कंडेंस। नेक्स्ट देखिए आपके सामने है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अपोजिट बताना है, किसका? मोरेटोरियम, ठीक है, मोरेटोरियम का अपोजिट बताना है। मोरेटोरियम का मतलब क्या होता है पहले आप जान लीजिए। मोरेटोरियम का मतलब होता है रोक होता है, क्या होता है? रोक होता है, अधिस्थगन होता है, ठीक है, रोक, मोरेटोरियम। इसका आपको अपोजिट बताना है अर्जन, अर्जनमेंट मतलब क्या होता है? कोर्ट में आप अक्सर इस शब्द सुनाई पड़ता है, बोला जाता है अर्जन, कोर्ट इज अर्जन, मतलब कि स्थगित कर दी गई, तो अर्जनमेंट मतलब स्थगन हो गया, ठीक है। यह जो है मोरेटोरियम का सिनोनिम है, ठीक है। अकोमेंडेशन आवास है, इसका क्या मतलब है? स्थगन, स्थगन, ओके। अकोमोडेशन जानते ही हैं आप, आवास है। कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन मतलब क्या है? अनवरत, लगातार, ठीक है। तो आपका एंटोनिम्स हुआ कंटिन्यूएशन, यही आपका जो है एंटोनिम्स हो गया, ये आपका आंसर हो गया सी, सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। डिटर्मिनेशन समाप्ति होती है, ठीक है, टर्मिनेट कर देना, समाप्त कर देना, ठीक है, टर्मिनेशन ये समाप्ति है। तो आपका जो आंसर हुआ मोरेटोरियम का उस हुआ कंटिन्यूएशन, ठीक है। मोरेटोरियम रोक होता है, अधिस्थगन होता है, तो कंटिन्यू चलेगा और कंटिन्यूएशन मतलब लगातार, ठीक है। तो आपका जो आंसर हुआ वह सी, और इसमें जो आंसर हुआ था रेजोनेंस का वह हुआ था कंसोनेंस, ठीक है, ठीक है, कंसोनेंस हुआ था आपका, सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आप जो है इसे जरूर याद रखें, मैं उम्मीद करता हूं आपको जो है जरूर फायदा होगा। आप याद रखिए, अब ये जो पैरा हम लिए हैं बहुत बड़ा पैरा है, आप इसे जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लिख लीजिए, आप उस हिसाब से इसे याद कीजिए, आपके लिए फायदा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, आप निश्चित रूप से इसे पढ़िएगा। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Out of four alternatives, choose the one which best expresses meaning of the given word, marking the given options. देखिए, आपको ये synonyms बताना है, क्या बताना है? Synonym बताना है। देखिए क्या होगा इसका synonyms? आप देखिए obsession, obsession मतलब होता है जुनून होता है, आप जो है इसका बताइए क्या होगा synonym? इसका synonym होगा preoccupation होगा, ठीक है। ऑब्सेशन का क्या होगा? प्रीऑक्यूपेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन मतलब होता है निराशा। देखिए डायलेट ए है, इसका सिनोनिम बताना है, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? इसका सिनोनिम्स होता है वाइडन, ओके। नेक्स्ट देखिए डुप्लीकेशन, आप जानते हैं डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेशन है, इसका आपको बताना है सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम इसका होगा डुप्लीकेशन का कॉपी, ओके, B is going to be right answer. आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए यह अपोजिट बताना है आपको, एंटोनिम्स, ठीक है, अपोजिट वर्ड बताना है। सबसे पहले है जेंटलमैन, जेंटलमैन माने आप जानते ही हैं,
इसका आपको बताना है क्या होगा अपोजिट, इसका होगा बोअर, ठीक है, मूर्ख। अब देखिए पैन की, पैन की मतलब हलचल का, भगतड़ का, पैनिक शब्द से है, पैनिक शब्द से है। आपको बताना है इसका क्या होगा एंटोनिम्स, काम, काम मतलब शांत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहां कंसेंट है नीचे शब्द, कंसेंट मतलब जानते हैं, कंसेंट मतलब होता है सहमति होता है, ठीक है, सहमति होता है। तो आपका जो आंसर हुआ वह हुआ ए, ठीक है, आपका आंसर जो हुआ क्या हुआ, ए हुआ, ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, डेबियस। डेबियस का आपको बताना है एंटोनिम्स क्या होगा, स्टेट, सिंपल, अंडरटेक, एक्सक्लूड, ठीक है। डेबियस का एंटोनिम्स होता है आपका डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, तो आपका इसका एंटोनिम्स क्या हुआ डेबियस का, स्ट्रेट, ठीक है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का आपको मालूम है क्या होता है एंटोनिम्स, इंटीग्रेशन का होता है फ्रॉगमेंटेशन होता है, एकीकरण है इसका, ये फ्रॉगमेंटेशन है, ठीक है, विखंडन, ठीक है। तो आपका आंसर हुआ डी, और इसका जो आंसर हुआ डेबियस का ए, आप इसे याद रखिए, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन दीज क्वेश्चंस आउट ऑफ फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वन व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून, मतलब सौभाग्य का एक अप्रत्याशित टुकड़ा, ठीक है। कहने का सेंस क्या है कि ऐसा अप्रत्याशित टुकड़े का अर्थ है कि ऐसा मतलब किसी के भाग में हो मतलब कि जिसकी आपने आशा न की हो उससे कहीं ज्यादा आपको मिले, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपने सुना होगा कि भगवान ने उसे जो भी दिया छप्पड़ फार के दिया, आपने सुना होगा, तो उसी को कहते हैं एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून दैट इज नोन एज वेंटफॉल, मतलब कि छप्पड़ फार आए, मतलब भगवान ने जो दिया उसे छप्पड़ फार के दिया, वेंटफॉल, ठीक है, एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून वेंटफॉल, ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, causing or ending in death, ठीक है, ये perquisite है, perquisite मतलब जानते हैं आप लोग, रियायत होता है। causing or ending in death, इसका मतलब क्या, मतलब कि मृत्यु का कारण, अंत क्या होता है, वह होता है फटल होता है, ठीक है, क्या होता है, फटल होता है, A is going to be right answer, causing or ending in death is known as फटल। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज नोन एज बीईवीवाई बेबी, ठीक है। ए शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ड्रामा, ठीक है। आप देखते होंगे जब कोई ड्रामा वगैरह होता है उसके लास्ट में जो है जो स्पेक्टर से दर्शकों को जो है संबोधित करने के लिए एक छोटा सा जो है स्पीच दिया जाता है, ठीक है, और एक छोटा सा गीत गाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एपिलॉग कहते हैं, उपसंहार कहते हैं, क्या कहते हैं, उपसंहार कहते हैं, ओके। अब देखिए ये डायलॉग है, डायलॉग संवाद है, प्रोलॉग है, प्रोलॉग मतलब क्या होता है, प्रस्ताव होता है, मोनोलॉग मतलब क्या होता है, मोनोलॉग मतलब होता है स्वागत भाषण, क्या होता है, स्वागत भाषण होता है। तो आपका ये आंसर क्या हुआ, एपिलॉग हुआ, उपसंहार, ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज, ठीक है, मुक्त मार्ग में अपने को जहाज में छिपाने वाला व्यक्ति, वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज, तो उसको कहते हैं स्टोवे, ठीक है, क्या कहते हैं, स्टोवे। तो यह जो है आपका राइट आंसर हुआ ए, इज गोइंग टू बी राइट आंसर, वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज दैट इज कॉल्ड स्टोवे, ओके।
तो ये थे 35 क्वेश्चन, आप इन्हें याद कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आप इन्हें पढ़ेंगे, आपको फायदा जरूर होगा, आप निश्चित रूप से इन्हें लर्न कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग।